क्रिस्टोफर की प्राचार्य का पुतला दहन किए जाने की। जमशेदपुर संयुक्त छात्र संघ ने डीएवी स्कूल बिस्टोपुर पर मनमानी व धांधली का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके विरोध में स्कूल की प्राचार्य का पुतला दहन किया। संयुक्त छात्र संघ ने इतने पर भी स्कूल प्रबंधन का रवैया नहीं सुधरने पर स्कूल के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी है। जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। संयुक्त स्कूल संघ ने शनिवार को डीएवी बिस्टोपुर में गरीब बच्चों का एडमिशन ना लेकर उनकी जगह पैरवी वालों का एडमिशन लेने का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल भारी फीस वृद्धि एवं मिलने आने वाले अभिभावकों से बात तक नहीं करने का भी आरोप लगाया। संयुक्त छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के गेट पर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की एवं प्राचार्य का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। संयुक्त छात्र संघ के नगर अध्यक्ष धीरज चौधरी ने स्कूल प्रबंधन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो गेट में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मैडम ने 19 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया और मैडम का उसको ये कहना था कि बच्चा गरीब दिखता नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब के श्रेणी में नहीं है। तो मैडम मतलब जो डीएससी ऑफिस लाया है वो जांच करके ही मैडम के यहाँ भेजा था और ये पहली बार नहीं हुआ। मैडम 5 सालों से लगातार ऐसा करते आ रही है, हर बार 50 सीटों में 15 सीट 16 सीट मतलब बीपीएल देती है, बाकी खाली करके अपने जो नज़दीकी लोग हैं उच्च पैरवी वाले हैं डोनेशन में मैडम मतलब भेज के यहाँ पर एडमिशन करवा लेती है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरी बात, यहाँ पे हर एक साल एनुअल फी में भारी बढ़ोतरी होती है, मतलब इतनी कि पेरेंट्स पूरे लाचार हैं, लेकिन मजबूरी में उनके बच्चे को पढ़ाना है, ना कुछ कह पाते ना कर पाते हैं और मजबूरी में कर्जा वर्जा लेके हमेशा जमा करते हैं, फीस करते आए हैं। ये हो गया और भी मैडम का रवैया ठीक नहीं है। अगर पेरेंट्स मैडम से मिलने आता है तो पेरेंट्स को गेट के अंदर जाने नहीं जाता है, मिलने नहीं जाता है और सरासर एडमिशन पूरी धांधली है। उच्च उच्च जितने पैरवी उच्च पैरवी वाले हैं उन्हीं का एडमिशन लिया जाता है स्कूल पर, जो स्कूल के नज़दीकी है उन लोगों को लिया जाता है, लेकिन जो गरीब बच्चे उनका सीट हक मार के मैडम हमेशा लगातार ये काम करते आ रही। ना मैडम को सरकार का डर है ना ये है, मतलब निडर होके हम लोग इसके विरोध में आज पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर इस पर मैडम बीपीएल वाले पे अगर कुछ अंकुश नहीं की है, कुछ विचार नहीं की दोबारा, तो हम लोग फिर यहाँ पे धरना बैठेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।